महीने जेल में, फिर भी दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं हुआ। तुम केवल दूसरों के चक्कर में फंसते हो, कभी इसके चक्कर में, कभी साले के चक्कर में, कभी किस खुद तो तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र होता है, भाई भी रहेगा, साला भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो पूरा भरा पूरा परिवार रहेगा ना जेल में। क्या नाम है तुम्हारा? सोहन यादव। पहले भी जेल गए हो? तो जेल जाने के बाद सीखे नहीं तुम? किस केस में गए थे जेल तुम? मोटरसाइकिल बाइक चोरी। उस टाइम कितना बाइक चोरी किए थे? 6-7 बाइक। कब की बात है? 2022 में जेल में, फिर भी दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं हुआ। दोबारा जेल जाने का मन था? अच्छा, होटल नहीं जाते आदमी? होटल में गए, फिर चले घूमने चले गए। पार्क में रखा है क्या जेल को तुमने? जब मन होगा चोरी किए और चल दिए। तो अप्रैल में गए होगे, तुम पकड़ाए कब थे? अप्रैल में। ये चौथी बार पकड़ा गया सर, लूट में भी था। चौथी बार पकड़े गए हो? ये दूसरा। नहीं नहीं, तेरे तुमसे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ये खुद मान रहा है दो बार, चार चौका जो मारा उससे ही बात करेंगे, टुकड़ लिया इससे बात करेंगे। दो बार तुम गए हो, दूसरी बात बता रहे हैं साहब? क्या दूसरी? वही है सर, चोरी को ही लूट बता रहे हैं। ऐसा लूट नहीं है, लूट नहीं है, चोर हो तुम, टेर नहीं हो। ठीक है, ये चोरी इतना अच्छा क्यों लगता है? नहीं तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि नहीं करोगे? पिछली बार भी पकड़ाए, जेल में रहे 7 महीने, तो कुछ नहीं सीखे तुम। तो अब ऐसा क्या होगा कि तुम सीख जाओगे? कितने पढ़ाई की हो? 7वीं तक। चोरी करके बाइक का करते क्या थे तुम लोग? मान लो बाइक चोर, एक ही बताओ सामने आओ कि मान लो तुम लोग कहीं पर गए, तो किसका बाइक चोरी करना है, कैसे तुम लोग निर्णय लेते थे? चाबी डाल के, जिसका चाबी लगी है उसको पार कर लेते थे। और ये चाबी कहाँ पे लाते थे? बन जाता है तो 8-10 चाबी बना के रखते हो गए, सब में लगा के देखे, जो लग गया तो खोल लिए, ऐसा। और फिर क्या करते थे? चोरी कर लिए उसके बाद? ले जा, बेच दे। इसको बेचता कौन था? सारंगढ़ में 2-3 अरे ये तो इसको, अरे यार बोल रहे अधिकार है बोल रहे सारंगढ़ में 2-3 हो गए। ओके, वो कौन है? अभिमन है, नानू नाम से। वो लोग क्या करते हैं? चोरी का माल खरीदते हैं। और कितने का एक बाइक खरीद लेते हैं वो लोग? 2-3 बाइक खरीद लेते हैं एक बार, 2-3 बाइक खरीदते हैं। कितने की खरीदते हैं? वही 6-7 हज़ार। कौन बेचने जाता था सारंगढ़? सारंगढ़ बेचने के लिए कौन जाता था? हम ही लोग जाते थे। तुम ही लोग जाते थे? सारंगढ़ में कहाँ पे है ये? सारंगढ़ जिले में। सारंगढ़ जिला बहुत बड़ा जिला हो गया, नया जिला बना है सारंगढ़ में। कहाँ पे? हाँ, उसके थ्रू जाते हो? नहीं नहीं, सब उधरी कहीं उधर जाके बेचते रहते। 2-3 हज़ार बेच दिए बेचारे आदमी, इतनी मेहनत से खरीदा और तुम उसको 2-3 हज़ार बेचाते थे। कोई ग्रानी नहीं है, कोई ये नहीं है। चलो नाम चिलाओ, तो जेल में चिल करना अच्छी बात है, चिलाओ। नाम क्या है? विद्याधर चौहान। विद्याधर चौहान, आप कितनी बार चोरी, कितनी बार जेल गए हो? यहाँ दूसरा पहला एक बार इन्हीं के चक्कर में फंस गया था, खरीदा था दो बाइक खरीदे थे। खरीदार आदमी हो तो बाइक का करते क्या था? दो बाइक खरीद चलाने के लिए खरीदा था। दो दो? और इस बार कितना खरीदा? इस बार एक नहीं खरीदा। इस बार कैसे फंस गए? तो मेरे साले के चक्कर में, उसको 2500 रुपये दिया था। तुम केवल दूसरों के चक्कर में फंसते हो, कभी इसके चक्कर में, कभी साले के चक्कर में, कभी किस खुद तो तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। नहीं सर, निकलने के बाद में कुछ ऐसे नहीं किया हूँ बस। कितनी बार जेल गए हो?
टोटल कितनी बार गए हो? बाकी ही रहे गए हो तो वो जेल नहीं हुआ क्या? टोटल कितनी बार गए हो? तीन और चार में अंतर है। जेल भी क्या हो गिनती में? चार। जेल कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि याद नहीं रहेगी। चार बार की, चार से भी ज्यादा? तो कौन कौन सी पुलिस पकड़ी है तुम्हें? सारंगढ़ वाली पकड़ी। वहाँ कितनी बार गए हो? सारंगढ़ में? सारंगढ़ में एक बार सर। और दुर्ग में? और दुर्ग में एक बार। बाकी तो कहाँ गए? टोटल जेल कितनी बार गए? चार। वहाँ मैं अपना अलग दारू केस में था। दारू केस? दारू केस में एक बार गए हो? दो बार बाइक चोरी में गए हो? नहीं नहीं। तो एक ही बार? अभी दूसरी बार जाओगे? और बाकी दो बार कब गए? वो दारू केस में गए। दारू के केस में क्या करते हो? वो दारू खरीद के लाके बेचता था। कहाँ से दारू खरीदते हो? गाँव से। और बेचते कहाँ? गाँव में। तो गांव में खरीदते हो? गांव में बेचते हो तो गांव में? दूसरे गांव से खरीद के अपने गांव में बेचते हो। एक बार में कितना पेटी बेचते हो? नहीं बेचते सर, 10 को 20 को बेचते। तो तीन बार जेल कैसे चले गए भाई तुम? पहली बार जेल गए कितने दिन रहे? पहली बार में 7 महीने। चोरी वाले में? नहीं। दारू? दारू में रहते हैं क्या 7 महीने? ज्यादा मात्रा में रहेगा तो रहेगा सर। नहीं ज्यादा मात्रा नहीं था सर, घर वाले कोई करने धरने वाले नहीं थे ना। जमानत नहीं लगी तुम्हारी? कोई गलती दूसरे की है? कोई गलती सारंगढ़ के ही है सर। सारंगढ़ यही है, यही करवाता होगा ना, यही करता होगा सब कुछ। तो ये चोरी का बाइक बेचने का काम कब से कर रहे हो? जी मैं पिछले साल ही 2 को खरीदा था, उसके बाद नहीं मेरा कोई नहीं, अपना खुद को चलाने के लिए खरीदा था। खुद को चलाने के लिए? दारू भी खुद को घर पालने के लिए दारू बेचते होगे क्यों भाई? तीन बार दारू के केस में दारू बेचने काम क्यों करते थे? खुद पीने के लिए या बेचने के लिए? नहीं दुकान है छोटा सा तो साथ में पार्ट टाइम के लिए दारू का। दारू को मेन टाइम काम कर लिया तुमने? इस तुम्हारे हिसाब से जितने इनके पास दुकान है सभी पार्ट टाइम जॉब ये दारू बेचने का शुरू कर देंगे क्या? वहाँ पे बिना अपने भाई भी है सर इसका जेल में? नहीं वो भी वही फरार भाग गया। नहीं तो अच्छा है, भाई भी रहेगा, साला भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो पूरा भरा पूरा परिवार रहेगा ना जेल में। तो बेचारे का मन लगेगा, दूसरे वहाँ जाके बोलेगा कि वो तो अकेला हो गया। क्यों भाई अकेलापन नहीं होता क्या जेल में? इसीलिए पूरा परिवार एक साथ जाता होगा, फैमिली पैकेज में। क्यों भाई कितने में गाड़ी खरीदते थे? 3,000 में। ये तो 3,000 में तो उसको खरीदते थे, और फिर बेचते कितने में थे? नहीं बेचते। चोरी का तरीका कैसा था इनका? चाबी भी बनवाते थे कहीं से कि? नहीं चाबी 8-10 चाबी बना के गए, सब में लगा के घुमाने, जो खुल गया उसको लेके निकल गए। तो कोई पकड़ा नहीं सर लोग? जेल तो रहा है 4 बार, कितनी बार रहेगा यार? इधर और भी रहा होगा, बता नहीं रहा है। सोनू बंजारे, तुम कितनी बार जेल में रहे हो? मैं सर 2 बार। 2 बार कहाँ कहाँ पे? ये कन्यापुर है सर। हाँ पुलगांव में रहे हो? दोनों बार मेरे ही जिले में चोरी की है। कितने महीने रहते पिछली बार जेल गए थे? तो पहली बार गए थे तो 1 महीने। 1 महीने। और दूसरी बार में? 6 दिन था सर। 6 दिन। पहली बार कितनी बाइक चोरी किए थे? नहीं सर बाइक वाले नहीं था मेरे सर। चौथा केस था वो कुत्ता है सर, बड़ा सर और व्हीलर नहीं रहता कुत्ता, उसको मैं घुमा रहा था छाप में, तब काम कर रहा था। लेडी से लड़की मतलब वो जा रही थी, जूता छूट गया तो फिर ना कुत्ते से भाग गया उसको, तो मैं पकड़ने के लिए कोशिश किया उसको, उसी के साथ मैं भी गिर गया था। तो ये फिर केस लगा लिया कि लड़का कुत्ता छोड़ दिया, ऐसा बदतमीजी कर रहा, गाड़ी वाले ऐसे करते थे। कितने दिन रहे उसमें? 1 महीने। 1 महीने। दूसरी बार? दूसरी बार वाले में था बाइक वाला था सर। क्या बाइक वाला? नशे पे मैं आ रहा था ना घर, तो बाइक दिखा मेरे को तो उठा लिया। नशे दिख गया तो अपनी चीज है, पिछले बार महिला को छेड़ दिया तुम लोगों ने, दूसरे में वो बाइक को उठा लाए, अपनी सब संपत्ति तुम्हारी है क्या? जो दिख जाए अच्छी लग जाए उसको ले लोगे। और इस बार क्या किए? इस बार स्कूटी वाले थे।
स्कूटी में क्या की? वही चलाता था सर, पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वापिस छोड़ देता था। जैसे कि अपने यहाँ से उठाया तो चलाया वाला थोड़ा घूमे घाम में मन भर गया, मन भर गया के लिए पैसा नहीं था, साइड में लगा सर मैं बेचता हूँ। शरीफ आदमी शौक के लिए। ड्राइविंग कैसे करते हैं? जी सर अच्छा है, मेरी पुलिस कार पसंद ना आ जाए तुम्हें कई बार देखना साइड में जाना है तो मांग चला उसको भी उठा कर ले गया पुलिस अधीक्षक लगा के। क्यों भाई तीनों अलग अलग मामले हैं ना, अलग अलग चोरी किए सब। ये दोनों साथ वाले ये दोनों साथ वाले ये खाई चोरी के पैसे से क्या करते थे? बेचने के बाद जो पैसा मिलता था उसको नशा तो करते ही सुखा नशा। सुखा नशा आपके साथ रहते भी हो गया? काटे गए तुम्हारा? मैं नशा काटे ही नहीं सर। हां कहां के काटे? किसके ये वाला? इसके नशा करता ही है टैटू वाले को उसमें से नहीं है। नशा नहीं करते पैसा करते क्या हो चोरी के पैसे का? हां इधर इधर करके उठ जाते सर। मतलब खर्चा बहुत है। खर्चा बहुत है? किसी ने खर्चा है गांजा वांजा? तो गांजा नफा नहीं है, गांजा तो भगवान का प्रसाद है। दारू बेचते हो? पीते नहीं हो? दारू बेचता कौन है? अरे तुम तो बाइक चोरी का लाके दे देना दारू दिया करो उसको। तो ये दारू का काम मेन था तुम्हारा कि बाइक चोरी का काम मेन था? दारू का मेन काम है। कितने लोग करते हैं वहाँ दारू का काम? बहुत सारे। कितने? 50, 100, 200, 500, 1000? हर गांव में 8-10 जन जो है दारू का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं दारू का? कोई कोई लोग खुद बनाते हैं सर अपना वाला, लाके बेचते हैं लाके। तो ये बाइक के लिए काम कैसा लगा तुमको? जी मैं चलाने के लिए खरीदा था। कितने में खरीदा था? 2000? नहीं सर, तो 8000। 8000 ये तो बोल रहा है 2000 में बेचता था ये? नहीं सर मेरे को दिया था 2000 दिया था तुमने? नहीं वो मेरे साले को 2500 रुपये दिया था उसका बोल। कमीशन देखो, कमीशन बढ़ जाता है 2000 इसको मिलता है, बाकी साला और भाई भी है ना। पूरा फैमिली बिजनेस है। तो तुम लोग बाइक चोरी करते हो तो नंबर बदल देते हो बाइक का? क्या करते हो? वो तो उधर ही बदलते हैं। कौन बदलता है? लेने वाले लोग। लेने वाले लोग नंबर बदल देते हैं। इधर नंबर क्या करते हो तुम बाइक का? ऐसे चलाते सर बिना नंबर के चलाते हो? अरे तो पुलिस वाले चेक नहीं करते बिना नंबर की बाइक को? देहात में चलाते हैं। तो देहात में बिना नंबर की बाइक अलाउड है क्या? नहीं सर, लेकिन वो कहीं जाना नहीं है सिटी तो घर चढ़ने के लिए। देहात यहाँ से तो बाई रोड ही जाते होंगे ना, नंबर निकाल के जाते थे? मैं नहीं जाता था सर। ये यहाँ से जो छोड़ते थे फारंगर वो नंबर पे बदल के नंबर लगे हुए रहकर फारंगर छोड़ देते थे। इस फारंगर का कैसे पता था तुमको फारंगर में ये बिकता है? ये मेरा जो पेस वाला था सर, तिरेन। हाँ तिरेन नाम का एक जो था अगली बार गया था वही दिखाया था सर। ओहो जेल में तुम्हें नॉलेज मिली? हाँ नॉलेज शेयरिंग है जो मेन वो है सर, वो अभी जेल में है। जेल में जाके तो थोड़ा नया सीख लिए तो तिरेन। हाँ तिरेन क्या होता है तुम्हें? मेरी मम्मी को पास बेच रहे थे सर, पास बेच रहे उन्हीं से नॉलेज मिली। कितना डीप टाइप का है जी, कितना बदमाश है और ऐसे दिखा रहा है कुछ किया ही नहीं उसने। छठे महीने से लेकर अभी तक ये चौथे महीने छठे महीने इतने में 4000 ज्यादा बाइक तो बेच चुके होंगे। 20 बार ये दुर्गा चुके हैं सर इसके लोकेशन। 20 बार? जी जी। कौन? ये विद्याधर 20 बार ले गया होगा भाई वो भाई और जो वो है साला। 20 बार क्या करने के लिए दूर की धरती को कदम डाले थे भाई? उत्तर तो नहीं आऊंगा, उत्तर तो नहीं हो सर, पेशी में आया था बस। पेशी है तेरा कॉल डिटेल है तेरा मेरे पास भाई, पूरी तुम्हारा चिट्ठा जो है ना खुल चुका है। अरे सच बोलोगे तो ठीक है, तो 20 केस में नाम चला जाएगा तुम्हारा। सच बताना चाहते हो? जी पेशी में आया था सर और बाकी समझ नहीं आता। बाकी समय क्या करने आए थे? फोन तुम्हारा क्या, फोन तो उठता हुआ भी आता है क्या? फोन में आजकल ऐसा भी है क्या कि तुम फारंगर में रहोगे फोन उड़ता हुआ दुर्ग आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5-6 घंटे फ्लोट करेगा और फिर उड़ता हुआ फारंगर पहुँच जाएगा, ऐसा क्या? तुम कोई हेलीकॉप्टर प्लेन दिए हो क्या? हाँ मोटरसाइकिल उठी है
40 मोटरसाइकिल। ये भाई और साला गायब है और जान बुझे पार्टी गई थी उसके बाद से। हाँ हम लोग आ रहे हैं, गाड़ी यहाँ मिल जाएगी, जंगल में मिल जाएगी, वही मिलती थी और लोग नहीं आए। तो कहाँ भाग के जाएंगे दोनों का नाम क्या है, नाम बताओ जरा। पद्मन और तारा सिंह। पद्मा पद्मन पद्मन पिता साधराम। साधराम गाँव दाऊगुली परसपुर। हाँ दाऊगुली परसपुर। दाऊगुली परसपुर परसपुर जिला महासमुंद। महासमुंद। और दूसरा तारा सिंह। ताराचंद छोटू ना। ताराचंद नानू। नानू 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 उर्फ ताराचंद इसका भाई है। भाई है। पिता शिव प्रसाद चंद। शिव प्रसाद चंद। हाँ गाँव सालर। सालर जिला सारंगढ़। सारंगढ़। इन दोनों को भी ढूंढना है। उन लोग बोलते थे हम आ रहे हैं, गाड़ी यहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, ऐसा कुछ गाड़ी बरामद कर। कहाँ जाएंगे पूरा राज्य जान गया है उन दोनों को। पूरी सारी गाड़ी इन्हीं के पास है, दुर्ग की लगभग गाड़ी इन्हीं के। दुर्ग की लगभग चोरी की हुई गाड़ी इन्हीं के पास। अरे यार तो दुर्ग के बाइक खत्म करने का ठेका ले लिया था क्या तुम लोगों ने? इसको मेरे सेवा की आवश्यकता है मुझे लगता है। इधर देखो यार तुम्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है। मेरी काउंसलिंग एक बार होगी ना उसके बाद कहीं बाइक चोरी नहीं कर पाओगे तुम। हाँ तो दादी का काम करते हो, चोरी तुम्हारे भाई और वो करते हैं साले, ऐसा ना तुम्हें फंसा देते हैं। तुम भाई दुर्ग को क्यों चुनते हो चोरी के लिए, यही कहने वाले हो क्या? मैं तो दुर्ग का किया ही नहीं सर। तो कहाँ का किए हो? रायपुर और पाटन। रायपुर पाटन क्या कोई अलग जिला बना दिया तुमने अभी? नहीं सर तीन ही बाइक चोरी की अभी छूटा सर। अभी छूटा तीन बाइक चोरी कर लिए। वो तो पहले छूट गए होते तो क्या होता और भी बाइक चोरी रहती दुर्ग जिले में। और ये जब जब आता है तब तक जो क्राइम स्पॉट नंबर वो के सब पहले ही एनालिसिस किए उस स्पॉट में इसका सीडीआर मैच होता है। मैच होता है तो ये ऐसे लोग हैं इनका ना अलग से पोस्टर लगाना चाहिए जो जिनको जो देखे वो अपने बाइक पे नजर रखे। बाइक कहाँ से चुराते थे? कैसी जगह ढूंढते थे बाइक के लिए? बाइक यहाँ बहुत सारी बाइक कैसे ढूंढते थे जगह जहाँ बाइक चोरी करना है? चोरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है की जो कॉन्फिडेंस है देखो इसके चेहरे में की आराम से चाबी लेके जाते होंगे ऐसे खोलते होंगे। क्यों भाई इनका जो हर थाने में उसका फोटो खींच के लगा है तभी और क्या है तभी लोग जब चेहरा दिखाओ अपना वहाँ चेहरा लोग पहचानेंगे तो आसपास कम से कम आगे चोरियाँ बचेंगी। कोई निकलने के बाद फिर तो यही काम करना है ये नहीं सुधरेंगे। अब जनता ही इसको पहचान पाएगी इसको देख के अपनी बाइक को बचाएगी तो बचाएगी। इनका गुरु तिरेंद्र भी वहाँ है उनसे मुलाकात होगी फिर नया टेक्निक बताएगा। तो मेरा मोबाइल लेके आया था मैं सर अभी तक दिया था। उड़न दस्ता इसी का है। एक बड़े चोर गैंग को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे जो औरतन चोर हैं इनके फोटो और वीडियो सभी थानों में लगाने की और सभी राज्य के पुलिस सभी जिलों के पुलिस को देने की ज़रूरत है जिससे कि ये लोग जब भी पकड़े जब भी संदिग्ध हालत में दिखें इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए अन्यथा ये लोगों की गाढ़ी कमाई से खरीदे हुए महंगे बाइक्स को 5,000 से 8,000 रुपए में बेच देते हैं जिससे उन बाइक ओनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा त्रासदी होती है। दुर्ग जिले में 3 शातिर अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ा गया है, 2 मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं। ये दुर्ग जिले में पिछले एक वर्ष में 80 से ज़्यादा बाइक उन्होंने चोरी की बात सामने आई है जिसको ये लोग सारंगढ़ में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा करते थे। ये महंगी बाइक्स को खरीद के 3,000 से लेकर 8,000 रुपये में ही बेच दिया करते थे। इनका मॉड ऑफ ऑपरेंडाई कि ये ट्रेन से यहाँ आया करते थे
यहाँ पे लोकल घुमा करते थे, जहाँ भीड़ भड़ाके का इलाका होता था वहाँ एक चाबी से ट्राई करते थे, 8-10 बाइक ट्राई करने पर कोई एक से दो बाइक खुल जाती थी और उसको लेके ये लोग रफू चक्कर हो जाया करते थे। ये लोग यहाँ से बाइक को फारंगढ़ लेके जाया करते थे और वहाँ पे नंबर प्लेट बदल के या बिना नंबर प्लेट के ग्रामीण क्षेत्र में उसको बेच दिया करते थे। 3 जो चोर पकड़ाए हैं, एक 2 बार जेल जाने की बात कबूली है, एक दूसरा 4 बार और तीसरा भी 4 बार जेल जा चुका है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि यही लोग चोरी करते हैं, जेल जाते हैं, जमानत पे छूटने के बाद दोबारा चोरी करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की सूची बना के रखने की ज़रूरत है और जमानत पर छूटने पर इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिससे कि बाइक चोरी से बचा जा सके। इन चोरों का गिरोह जो था ये दुर्ग में चोरी करने के अलावा रायपुर में, राजनांदगांव में, मंडला में, बालाघाट में, गोंदिया में भी चोरी करने की बात इन्होंने स्वीकारी है। जांच में और भी बाइक रिकवर होने की गुंजाइश है। आज 7 बाइक को रिकवर किया गया है जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए आंकी गई है। डेढ़ लाख रुपये खुल गया देखो। अब डेमो देखा किस तरह एक अननोन चाबी से एक बाइक को कातिल चोर द्वारा खोल दिया गया। ये कोई भी खोल सकता है कि तुम ही खोल पाते हो, क्योंकि बाकी लोग जब करते हैं तो हाथ की जो सफाई है ये भी एक सीखने वाली बात है भाई। तो ये जो विद्या तुमने सीखी है बाइक खोलने की, ये विद्या कितने लोगों को दे चुके हो? ट्रेनिंग भी देते हो क्या? ये जादूगर है। 2 बाइक में एक बाइक खोल दी इसने, मतलब इसका स्ट्राइक रेट है 50%। और देखो किसी को छूता है क्या? 2 खोल दिया इसे, 2 में एक खोल दिया। देखे किस तरह से घुसाता है, ये टेक्निक देखे। अरे भाई तू ये जगह खड़ा हो, इधर घूमता तो पीछे पीछे घूमल दिया। एक खुल जाए, 5 में 2 खुल रहा है, चलो 5 में 1 खुल। तो हम ले सकते हैं कि 6 में 2 बाइक उसने खोल दी। यही कहता भी था कि एक चाबी लेके लोग निकलते थे तो 1 से 2 बाइक की चोरी ये कर देते थे। 10 बाइक में ट्राई करके कोई ना कोई बाइक खोल देंगे। ये जिस तरह से हाथ घुसा के रखे एक टायर को उधर से लॉक करके रखें, आप जितना ज़्यादा लॉकिंग सिस्टम रखिएगा उतना अच्छा। जैसे ही आपकी बाइक चोरी हो तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दें, तो जितने आसपास के टॉल हैं उसमें चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करते हैं तो नंबर को बदलते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं CCTV में पकड़ाने की सही। इसका कहना सही है, किस्मत की बात है कि किसमें चाबी लगेगी और कौन खुल जाएगा। 10 में कोई 1-2 खुलेगा, जिसकी किस्मत खराब रहेगी उसकी चुरा लोगे क्यों भाई? बस सीधा फार्मूला है, कोई ये नहीं है भाई। पतक मार दिया है बाइक चोरी में, ऐसा ऐसे हल्के मत लो आप, तो नाम दो इसको। पढ़ाई कितना की है? पढ़ाई कितना की है? 7वीं 7वीं में शतक। हाँ ये गुण है भाई, सोचो पतक तो इसने मार दिया, इससे 2 गुरु जब पकड़ाएंगे तो वो तो दोहरा खतरा क्या तेरा खतरा में होंगे। नाम ही तीरेंद्र है उसका, वो पक्का तेरा खतरा मारा होगा उसने। बोल उठा। सात महीने जेल रहे, फिर भी दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, तुम केवल दूसरों के चक्कर में फंसते हो, कभी इसके चक्कर में, कभी साले के चक्कर में, कभी किस
खुद तो तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र होता है, भाई भी रहेगा, साला भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो पूरा भरा पूरा परिवार रहेगा ना जेल में।